बदला लेने की ताक। तेनालीराम के व्यवहार की शिकायत लेकर कुछ ब्राह्मण राजगुरु के पास पहुंचे। राजगुरु पहले ही तेनालीराम से बदला लेने की ताक में था। राजगुरु और ब्राह्मणों ने योजना बना तेनालीराम को सबक सिखाने की सोची कि तेनालीराम को शिष्य बनाने का बहाना कर उसके शरीर को दागा जाए और फिर शिष्य बनाने से इनकार कर दिया जाए। 108 ब्राह्मण और राजगुरु इस योजना में शामिल थे। एक दिन राजगुरु ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शिष्य बनाने से पहले स्नान के बाद अपने दिए वस्त्र पहनाऊंगा और फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर रीति अनुसार शंख और लोहे चक्र से तुम्हारा शरीर दागा जाएगा। तेनालीराम समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उसने सच्चाई जानने के लिए एक ब्राह्मण को 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे सब कुछ पूछ लिया। शुक्रवार के दिन तेनालीराम सुबह उठा, स्नान किया और राजगुरु के दिए हुए रेशम के वस्त्र पहने जिनका मूल्य कोई 1000 रुपए रहा होगा। राजगुरु ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब बारी आई दागने की रीति पूरा करने की। शंख और लोहे चक्र आग में तप रहे थे। राजगुरु और ब्राह्मण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही शंख और लोहे चक्र दागे जाने के लिए तैयार हुए, तेनालीराम ने 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दी और ये कहते हुए भाग खड़ा हुआ, आधा ही बहुत है, बाकी आधा मैंने वापस कर दिया। राजगुरु और ब्राह्मण गरम गरम शंख और लोहे चक्र लेकर पीछे पीछे भागे। तेनालीराम भागता हुआ राजा के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज जब समारोह हो रहा था तब अचानक मुझे याद आया कि मैं वैदिक ब्राह्मण नहीं नियोग ब्राह्मण हूं, इसलिए उनका शिष्य होने योग्य नहीं। रीति अनुसार मैंने आधी रस्में पूरी की, इसलिए मैंने आधे पैसे रख लिए और आधे पैसे वापस कर दिए। राजा ने राजगुरु से पूछा तो उसे मानना पड़ा कि तेनालीराम सही कह रहा है, वो शिष्य बनने योग्य नहीं। राजा ने प्रसन्न हो तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और इनाम में दी।